friends, today I am going to discuss about registration of partnership firms in Punjab. किसी भी पर्सन को अपना काम शुरू करने के लिए अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है. इन इंडिया देयर आर थ्री एंटिटीज, वन इज प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, देन पार्टनरशिप फर्म एंड अनदर इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज. फॉर ए न्यू बिजनेस एंट्रेंट एंड फॉर ए सिंगल पर्सन इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टार्ट अ न्यू कंपनी, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच वी कॉल जनरली इन द नॉर्मल सेंस. रीजन, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कई तरह की कंप्लाइंसेस होती हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं. सो एक पर्सन के लिए इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. सो ही कैन थिंक अबाउट द प्रोप्राइटरशिप कंसर्न और द पार्टनरशिप फर्म. सिंगल पर्सन तो प्रोप्राइटरशिप में चला जाएगा, बट जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ मिलकर काम करना शुरू करना चाहता है देन ही हैज़ टू गो फॉर द पार्टनरशिप ओनली एंड देयर इज़ नो ऑप्शन एक्सेप्ट द पार्टनरशिप फर्म्स. पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करवाने के लिए सबसे पहले देयर शुड बी टू पर्संस, टू इंडिविजुअल्स, टू ह्यूमन बींग्स. इसमें कोई बॉडी कॉर्पोरेट या कोई और एंटिटी एज ए पार्टनर नहीं बन सकती. इसमें दो इंडिविजुअल हु आर द ह्यूमन ओनली कैन बी द पार्टनर्स. एज पर द पार्टनरशिप एक्ट द रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी, बट इन द सम केसेस व्हेन देयर इज डिस्प्यूट बिटवीन द डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, द फर्म एंड द अदर कंसर्न्स, then the court or the department may ask for the registration certificate. So this is not optional nowadays, but this should be mandatorily done by the partners, the register of their firms. Register firm करवाने के लिए form 1 which is applicable in every state. Firstly, this registration depends upon state to state. ये जरूरी नहीं है कि हरे all over India एक ही procedure हो. रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रोसीजर स्टेट टू स्टेट एप्लीकेबल होता है. हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट यू द रजिस्ट्रेशन इन पंजाब. पंजाब में सेक्टर 17 रजिस्ट्रार ऑफ फर्म एंड सोसाइटी चंडीगढ़, वहाँ पे हमारे को सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पड़ेंगे. आफ्टर द सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट्स द रजिस्ट्रार विल सी, विल स्क्रूटनाइज द डॉक्यूमेंट्स एंड इफ यू थिंक्स दैट द डॉक्यूमेंट्स आर प्रॉपर ही मे रजिस्टर द फर्म एंड अलॉट यू ए नंबर. बट रजिस्टर करने के लिए हमारे को डॉक्यूमेंट क्या चाहिए और प्रोसीजर क्या है. डॉक्यूमेंट नंबर 1 पार्टनरशिप डीड. सबसे पहले आपके दो जो पार्टनर हैं उनको एक पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी. फॉर द पार्टनरशिप डीड वी हैव टू पे द स्टैम्प ड्यूटी. इन पंजाब द स्टैम्प ड्यूटी इज नॉट पेड इलेक्ट्रॉनिकली, रादर वी हैव टू बाय द स्टैम्प पेपर्स. इन पंजाब द वैल्यू ऑफ स्टैम्प पेपर इज रुपीज 2000. 2000 का स्टैम्प पेपर लेके हमें उसके ऊपर एक पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट करनी पड़ेगी. जो भी टर्म्स एंड कंडीशन दोनों पार्टनर्स के बीच में होंगी वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनरशिप डीड में लिखेंगे और उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ टू विटनेस इसको नोटराइज अटेस्ट करवा लेंगे. फॉर द रजिस्ट्रेशन नंबर 1 इज पार्टनरशिप डीड. देयर हमारे को सबके आधार कार्ड, सारे पार्टनर्स के आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटोग्राफ चाहिए. नंबर 3 एक एफिडेविट सारे पार्टनर्स की तरफ से कि उनमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, और वो जो बिजनेस कर रहे हैं उसका अपना बिजनेस का ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा. अपने पूरे पार्टनर्स की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी ऑब्जेक्ट्स में और बताना पड़ेगा कि किस डेट से वो अपनी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करवा रहे हैं. नंबर 4 एक डेक्लरेशन, एक अंडरटेकिंग फ्रॉम द पार्टनर्स दैट दे विल अलाउ, दे विल ऑथराइज वन ऑफ द पार्टनर टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म. नंबर 5 फॉर्म 1. फॉर्म 1 जो कि पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करवाने के लिए यूज़ किया जाता है वो फिल करना पड़ेगा. उसमें आपको अपनी फर्म की सारी इंफॉर्मेशन लाइक नेम, एड्रेस एंड एवरीथिंग हैज़ टू बी गिवन. इसके साथ 3 रुपये की एक फीस होती है पंजाब में जो एप्लीकेबल है, ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है. द एप्लीकेंट द फर्म हैज़ टू डिपॉजिट ए ₹3 फीस टू द डिपार्टमेंट. देयर आफ्टर ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स हैज़ टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म. रिसेंटली in the last year the registrar of firm has started the online process. punjabinvest.gov.in वेबसाइट है जहाँ पे जाके आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो कि हमने पार्टनरशिप डीड में या फॉर्म 1 में लिखी हुई है along with all the documents which I have prescribed that has to be filed online on the punjabinvest.gov.in साइट पे. उसके बाद फीस भी ऑनलाइन जमा हो जाएगी जो कि ₹3 से प्लस सर्विस चार्ज डाल के वो ₹8 बन जाएगी. आपने वहाँ पे करवा के उसके बाद सारे के सारे डॉक्यूमेंट वी हैव टू सबमिट दिस डॉक्यूमेंट्स फिजिकली एट द डिपार्टमेंट एंड आफ्टर स्क्रूटनाइजिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड द ऑनलाइन एप्लीकेशन इफ द रजिस्ट्रार थिंक्स that the documents are complete and there is no any discrepancies, the registrar shall issue a certificate of registration to the person electronically as well as by manually. They will send the courier at the address of the firm. So this is all the process of registration in Punjab. Thank you.